हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान, और आप सबके लिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका ड्रामा डियर डिपार्टेड रिटन बाय स्टैनली हॉटन लेके आया हूँ। और ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है डियर डिपार्टेड बाय स्टैनली हॉटन। टाइटल डियर डिपार्टेड, डिपार्ट करना होता है अलविदा, जैसे चला जाना, स्थान छोड़ के चले जाना। तो इसमें कौन स्थान छोड़ के चले जाते हैं, कौन रुखसत होते हैं, उसके बारे में ये इनका जन्म, ये तस्वीर देख रहे हैं स्टैनले हॉटन की। इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1881 को, 1881 को, देहांत 11 दिसंबर 1913 को हुआ था। ड्रामाटिस्ट के बारे में और थोड़ा सा प्ले के बारे में, जो थीम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विलियम स्टैनले हॉटन वाज अ फेमस इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, ये इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे, काफ़ी मशहूर, और ऐसे ग्रुप से संबंध रखते थे जो रियलिस्टिक ड्रामास लिखते हैं, बिल्कुल वास्तविकता के जीवन से संबंध रखती हुई घटनाओं पर लिखते हैं। He was one of the best of a group of realistic playwright, playwright dramatists होते हैं जो realistic realism पे, जो कड़वी सच्चाई होती है इनके plays में बिल्कुल bare होके आती है, उसमें कोई addition deletion नहीं होता, as it is, और देखने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला मजबूर हो जाता है सोचने के लिए। Who were often called the Manchester School, Manchester School भी इन्हें कहा जाता था इस ग्रुप को। In every play he sought to present an idea, हर प्ले में कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया लेके चलते हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सल डायमेंशन अक्वायर कर लेता है, सार्वभौमिक हो जाता है आइडिया, पर्सनल होके एक सब पे लागू होता है, ऐसा बन जाता है। He had a remarkable gift for dialogue that is evident इन द डियर डिपार्टेड। डायलॉग लिखने में तो महारत है ने, और बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, एविडेंट हो जाती है डियर डिपार्टेड में। आप संवाद देखोगे, डायलॉग देखोगे, तो आप कहोगे कि वाकई डायलॉग लिखे गए हैं। इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन मैनचेस्टर इन 1908 में ये पहली बार लिखा गया था, प्रोड्यूस हुआ था पब्लिक के सामने। Here the dramatist satirizes the degradation of moral values in British middle class. British middle class में जो moral values का पतन हुआ है, degradation हुआ है, decline हुआ है, उसके बारे में है। व्यक्तिगत जैसे कहानी होती है किसी परिवार की है, तो वो सबके परिवारों की बन जाती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। Characters हैं Henry Slater, Mrs. Slater, ये husband wife हैं, और बैन और मिसिस जॉर्डन, ये भी पति पत्नी हैं, बट इसमें मिसिस स्लेटर और मिसिस जॉर्डन ये सगी बहनें हैं। देयर हस्बैंड्स हेनरी स्लेटर और बैन जॉर्डन ये पति हैं। डॉटर मिसिस स्लेटर और मिसेस हेनरी स्लेटर की है विक्टोरिया, 10-11 साल की लड़की है। और एबेल मैरी वेदर, ये विक्टोरिया का दादाजी है, मतलब इनका मिस्टर स्लेटर का फादर है, और दो बहनों इनका भी फादर बना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द सीन इज द सिटिंग रूम। अब आपको अपने जहन में, अपनी कल्पना में एक दृश्य बनाना है कि जहां पे सीन हो रहा है, सपोज करो ये स्टेज पे ही हो रहा है, आपको एक कमरे के बारे में, एक लिविंग रूम के बारे में सोचना है कि लिविंग रूम, सपोज करो ये स्टेज है इस साइड पे, और ऑडियंस सामने बैठा है, ठीक है, वहाँ से देख रहा है, और ये लिविंग रूम मान लो ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। इस तरह से हम जो चीज़ें हैं वहाँ रखी हुई, आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में बताते रहेंगे आपको। तो द सीन इज द सिटिंग रूम ऑफ ए स्मॉल हाउस इन ए लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास का परिवार है, छोटा सा कमरा है। ऑन द स्पेक्टेटर्स लेफ्ट इज द विंडो, स्पेक्टेटर दर्शक हो गए सामने वाले, वो ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसे बैठे होंगे तो उनकी लेफ्ट साइड कहाँ होगी, ये ऑन द लेफ्ट, या हम अपने आप यही मान लेते हैं ये लेफ्ट साइड हमारी है,
तो इस साइड पे विंडो मान लो आप, जैसे भी आपको अच्छा लगे। वो ऑन दी स्पेक्टेटर्स लेफ्ट, या स्पेक्टेटर को ही मानो आप, ऐसे घूमे हुए हैं तो उनका लेफ्ट ये बनेगा, जो मेरा राइट है उनका लेफ्ट बनेगा। तो वहाँ पे एक विंडो है विद द ब्लाइंड्स डाउन, ब्लाइंड्स जो कर्टन टाइप होते हैं वो डाउन है। ए सोफा इज इन फ्रंट ऑफ इट, उनके सामने एक सोफा भी है, उस विंडो के ही सामने सोफा मान लो आप। ऑन हिज राइट इज ए फायर प्लेस, उनके राइट साइड पे मतलब उस साइड पे एक फायर प्लेस है विद एन आर्म चेयर। फायर प्लेस एक कार्निश बनी होती है, नीचे अंगीठी होती है उसमें, और चिमनी ऊपर दीवार में से जाती है, तो ये मान लो आप। तो या फिर फायर प्लेस अलग से मान लो, भट्टी टाइप जिसमें सेकते हैं, सेकने के लिए हर घरों में उन दिनों में यही होते थे, दीवार में से चिमनी जाती थी और वहाँ ऊपर एक मेंटल पीस होता था और नीचे, ये बेहतर है मान लो, क्यों मेंटल पीस का भी जिक्र इसमें आता है। तो स्पेक्टेटर इज द डोर, मिडल ऑफ द वॉल फेसिंग द स्पेक्टेटर इज द डोर, और ये सब स्पेक्टेटर हैं, जैसे ये सामने दीवार है तो ये बीचों बीच एक डोर भी है, दरवाज़ा है। इनटू द पैसेज, जो पैसेज में जाता है आगे मेन जो एंट्रेंस है उसकी तरफ भी दिखता है वहाँ से, जैसे लॉबी होती है और एक साइड से स्टेयर ऊपर जा रही है, पैसेज में जाता है। टू द लेफ्ट ऑफ द डोर, उस डोर की, जैसे ये डोर है तो ये साइड लेफ्ट है, लेफ्ट में एक चीप शेवी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स टू द राइट ऑफ इस साइड बोर्ड, तो एक चेस्ट रखी है, ये चेस्ट दिख रही है आपको, पुरानी चेस्ट है इसमें ड्रॉर्स हैं बने हुए। टू द लेफ्ट ऑफ द डोर, दरवाजे के लेफ्ट में इस साइड पे एक चीप शेवी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स ये है। टू द राइट, और राइट पे एक साइड बोर्ड है, जैसे ये साइड बोर्ड है, तो ये कल्पना में आपको सोचना होगा। इन द मिडल ऑफ द रूम इज ए टेबल, कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखा है विद चेयर्स राउंड इट, इधर भी चेयर्स रखी हुई हैं, और ऑर्नामेंट्स एंड ए चीप अमेरिकन क्लॉक आर ऑन द मेंटल पीस। मेंटल पीस आप कार्निश जो दीवार में थी उस पे मान लो, जहाँ फायर प्लेस है उसके ऊपर एक मेंटल पीस है, उस पे वो ऑर्नामेंट्स वगैरह डेकोरेशन पीसेज ऑफ डेकोरेशन रखे हुए, और एक अमेरिकन क्लॉक है। इन द हर्थ ए कैटल, हर्थ वही चूल्हा हो गया फायर प्लेस, उस पे उसके ऊपर एक कैटल पानी जैसे उबलने के लिए होता है, वो पतीली रखी हुई। बाय द साइड बोर्ड ए पेयर ऑफ गॉडी न्यू कारपेट स्लीपर्स, और जो साइड बोर्ड है, साइड बोर्ड उस साइड पे हुआ, उसके नीचे वो चप्पल पड़ी, स्लीपर्स, स्लीपर्स पड़ी है, पेयर ऑफ गॉडी, गॉडी मीन्स भड़कीले रंगों रंग की बनी हुई। साइडबोर्ड ए पेयर ऑफ गॉडी कलरफुल न्यू कारपेट, न्यू कारपेट स्लीपर, कारपेट की बनी हुई स्लीपर्स हैं, नई है। द टेबल इज पार्टली लेट फॉर टी, और जो टेबल है सेंटर टेबल, वो चाय के लिए, चाय का सामान उस पर रखा है, पार्टली पूरी तरह से नहीं बना। एंड दी नेसेसरीज फॉर द मील आर ऑन द साइड बोर्ड, वो जो साइड बोर्ड है उस पर नेसेसरीज फॉर द मील, भोजन के लिए जो प्लेट्स वगैरह होती है, क्रॉकरी होती है, वो रखा हुआ, वो ढेर है पूरा। और एज आल्सो आर कॉपीज ऑफ एन इवनिंग पेपर एंड टिटबिट्स एंड पियर्सन्स वीकली, ये मैगजीन्स के नाम है, ये उस पर जो पढ़ के जैसे होती है पुरानी हो जाती हैं, वो 10-12 वो रखी हुई एक हीप बना हुआ। तो ये सेटिंग है। टर्निंग टू द लेफ्ट थ्रू द डोर टेक्स यू टू द फ्रंट डोर, जैसे आप वो दरवाजा दिख रहा है दीवार में उसमें आप जाते हो और आप टर्न होते लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे, तो ये कहाँ ले जाएगा आपको, इन फ्रंट ऑफ ए डोर, एक डोर की तरफ, टू द राइट, और राइट साइड पे अपस्टेयर, ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। इन द पैसेज ए हैट स्टैंड इज विजिबल, और सामने पैसेज में किसी जगह पे एक हैट स्टैंड भी, जिसमें टॉप वगैरह होते हैं ना पहनने के सिर पे, वो लटका देते हो, वो स्टैंड है उसको। व्हेन द कर्टन राइजेज, जब कर्टन उठता है, पर्दा उठता है स्टेज से,
मिसेस स्लेटर इज सीन लेइंग द टेबल, तो जो सेंटर टेबल सामने रखा है मिसेस स्लेटर उसको ले कर रही है, ले मीन्स उस पर रख रही है चीजें खाने पीने की, चाय वाय की। शी इज विगरस प्लम्प रेड फेस वल्गर वुमन। अगर आप उसके फिजिकल फीचर्स देखो तो वो विगरस है, फोर्सफुल है, एनर्जेटिक है, प्लम्प है, मोटी प्लम्प सुडोल टाइप की, रेड फेस्ड लाल रंग दिखाई दे रहा है, वल्गर है, रूड है, ऐसा झलकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है कि ये बहुत रफ बोलती है, एकदम स्पार्ट बोलती है। प्रिपेयर टू डू एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेट टॉकिंग टू गेट हर ओन वे, मतलब किसी से बहस हो जाए, बातचीत हो जाए तो अपना नज़रिया रखने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिद्ध करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, सीधी बात करती है, कोई शी डज नॉट मीन्स एनी वर्ड्स, ये देखते हुए कि सामने वाला उम्र में बड़ा है या छोटा है या कैसे बोलना है वो ध्यान नहीं रखती, सीधी बोलती है जो मन में आता है, विदाउट एनी फिल्टर शी स्पीक्स। शी इज इन ब्लैक, काले कपड़ों में है, बट नॉट इन कम्प्लीट मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या होता है, शोक वाली जो ड्रेस होती है, पूरी तरह से ड्रेसअप नहीं है उसमें, मॉर्निंग ड्रेस है परंतु पूरी वो ब्लैक नहीं है। और शी इज इन ब्लैक बट नॉट इन कम्प्लीट मॉर्निंग, शी लिसन्स फॉर अ मोमेंट एंड देन गोज टू द विंडो, फिर ऐसे सुनती है वो खड़ी होके, फिर विंडो की तरफ बढ़ती है।